और चलिए इसी के साथ बात करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की, जहां पर 15 अगस्त को लेकर तैयारियां और चेकिंग अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। नामी मॉल में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सिनेमा थिएटर में भी चेकिंग की गई है। तो 15 अगस्त को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नामी मॉल में चेकिंग अभियान चलाया गया, सिनेमा थिएटर की भी चेकिंग की गई है। तो 15 अगस्त आजादी का पर्व और इसी को लेकर पूरे देश में तैयारियां देखी जा रही हैं। यूपी की अगर बात करें तो यहां पर सघन चेकिंग इस समय हो रही है। कानपुर में नामी मॉल में चेकिंग अभियान चलाया गया है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी यहां पर ली गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक तरफ पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। बात करें अगर पुलिस अधिकारियों की, पुलिस प्रशासन की, उनकी ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस समय पूरे शहर भर में चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस उपायुक्त के निर्देश के बाद पुलिस हर आने जाने वालों पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं गाड़ियों की भी सघनता से चेकिंग की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी भी की जा रही है, जिससे कि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया है। और यूपी में डीजीपी मुख्यालय की ओर से 15 अगस्त को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 15 अगस्त है, आजादी का पर्व है और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। लखनऊ में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। 15 अगस्त को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस नजर रख रही है। तो 15 अगस्त के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और सुरक्षा चाक चौबंद है। 15 अगस्त को लेकर डीजीपी ऑफिस की तरफ से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी ऑफिस की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि पुलिस की जो टीमें हैं वो राष्ट्र विरोधी और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर खास नजर रखें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा से जो दूसरे राज्यों की सीमाएं सटी हुई हैं, वहां पर भी खास चौकसी बढ़ाई गई है। यूपी पुलिस की जो तमाम इकाइयां हैं उनको सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही में एलआई यूनिट यानी कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसको भी सक्रिय रहने को कहा गया है और हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखने को कहा गया है। हालांकि इस वक्त मैं विधानसभा के सामने हूं, जहां पर कल मुख्य आयोजन होना है। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, सरकार के कई मंत्री रहेंगे और जो दूसरे गणमान्य लोग हैं वो इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में यहां पर शामिल होंगे और यहां पर तैयारियां देख सकते हैं। हालांकि ये जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। हालांकि गाड़ियों की जो आवाजाही है उसको अभी नहीं रोका गया है, लेकिन शाम से जो सख्ती है वो और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। पुलिस विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि पूरे प्रदेश के जो बड़े शहर हैं वहां पर खास नजर रखी जाए, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की सहायता ली जाए और खास तौर पर जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है यानी कि जो बड़े सरकारी दफ्तर हैं, जो बड़े चौराहे हैं, वहां पर पुलिस की मॉनिटरिंग तेज होनी चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो प्रदेश का पुलिस महकमा है वो काफी सतर्क हो चुका है, अलर्ट पर है और हर घटना से निपटने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कंके के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। पूरे देश में 15 अगस्त को